आज की वीडियो देखने के बाद आपको पता लग जाएगा SEO ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है और हम किस तरीके से करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और शेयर करना इसको मत भूलना। तो मैंने आपको हमेशा से बताया है कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ऑफ पेज लिंक बिल्डिंग जो भी लोग आपको बताते हैं उससे आपके SEO स्कोर के अंदर इतनी इंप्रूवमेंट नहीं आएगी जितनी आपकी ऑन पेज से आएगी। अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा, कंटेंट इज द किंग, हर बंदे सुना होगा आपने, आपने लिंक क्रिएट कर दिया, उस लिंक पे बंदे ने क्लिक किया, आपकी वेबसाइट के ऊपर आया और आपका पेज अच्छा नहीं है, आपका कंटेंट अच्छा नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो बैक कर जाएगा। तो ऑन पेज देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप अगर रिसर्चेस चेक करोगे तो 95% जो SEO के अंदर वेटेज रखता है वो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन ही रखता है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से शुरू करते हैं H1, H2, H3, H4 हेडिंग्स होती है। हमको अपनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज H1 में डालनी है, उसके बाद आएगा H2, H2 के अंदर हम सारे सब पॉइंट्स डालेंगे। समझने की कोशिश करते हैं, जैसे साहिल खन्ना की एक वेबसाइट है तो मैं लिखता हूं वेलकम टू साहिल खन्ना, जो भी है वेलकम टू इंटेलेक्चुअल इंडीज, ये H1 में रहेगा। आज हम बात करेंगे SEO के बारे में तो ये H2 के अंदर रहेगा। अब मैं आगे जो उसके अंदर बता रहा हूं वो नॉर्मल पैराग्राफ के अंदर रहेगा। अगर अब मैं एक इसकी सब हेडिंग बना रहा था, मान के चलते SEO की, तो वो H3 के अंदर आ जाएगा। और अगर मैं मान के चलिए SEO इज H1, मतलब मैं SEO के बारे में बात कर रहा हूं। अब इसके दो पार्ट होते हैं, एक ऑन पेज होता है, एक ऑफ पेज होता है। तो ऑन पेज इज H2 और ऑफ पेज भी H2। तो बेसिकली H1 हमको एक बार यूज करना है, H2 हम मल्टीपल बार यूज कर सकते हैं, S3 भी मल्टीपल, और ऐसे S6 तक हम जा सकते हैं मल्टीपल बार। पर बात ये लेके चलिए H1 के अंदर H2 आएगा, H2 के अंदर S3 आएगा, S3 के अंदर H4 आएगा। बेसिकली हम जो बंदा हमारा कंटेंट पढ़ रहा है उसको समझ में आ रहा है कि ये बड़ा है, ये हेडिंग है, उसके बाद ये है, पर गूगल को तो नहीं समझ में आ रहा ना क्या इंपॉर्टेंट चीज है। तो गूगल का क्रॉलर उसको ढंग से रीड कर पाए इसलिए हम H1 H2 रखते हैं। पर लोगों को ऐसा लगता था पहले के जमाने में डिजाइनर्स को कि H1 का मतलब बड़ा होता है, H2 का मतलब छोटा होता है। आप H1 H2 को आप ऐसा भी कर सकते हो, H3 को आप H1 से भी बड़ा दिखा सकते हो, एक्स वाइज वो बड़ा लग रहा है पर हम असली में बैकएंड में हमने कुछ और कर रखा है। अगली चीज आती है योस्ट SEO। अगर आप अपने करियर की स्टार्टिंग कर रहे हो, SEO सीखना चाह रहे हो, तो एक योस्ट SEO करके प्लगइन है वर्डप्रेस का, उसको डाल लो, कंटेंट डालो, वो सब कुछ आपको बताएगा आपकी कीवर्ड डेंसिटी क्या है, आपने क्या किया है क्या नहीं किया, आपने अपने पैराग्राफ की स्टार्टिंग में अपना फोकस कीवर्ड रखा या नहीं रखा। फोकस कीवर्ड मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि मेरे को अपना ब्लॉग लिखना है SEO के ऊपर, तो SEO इज माय फोकस कीवर्ड, तो मैं अपना फोकस कीवर्ड जैसे ही उसके अंदर भरूंगा मुझे बता देगा कि मेरा कंटेंट किस टाइप का लिखा है। अब बात करते हैं हम तीन इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। मैंने आपको बताया था कि भाई रैंक ब्रेन के हिसाब से जिसके ऊपर ज्यादा क्लिक्स आएगी उसका SEO स्कोर बढ़ जाता है। तो मान के चलो अगर बंदे ने सर्च मारा SEO, सबसे ऊपर एक रिजल्ट आता है जिसके अंदर लिखा होता है व्हाट इज SEO और 10 प्रूवन टेक्निक्स टू रैंक नंबर 1, ऐसे कुछ भी। उसके नीचे जो उसका लिंक चेक करते हैं उसके अंदर लिखा होता है sahilkhanna.com/SEO techniques, ठीक है। नीचे जो डिस्क्रिप्शन होती है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा हुआ है कॉल टू एक्शन वाली चीजें। लोग क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आप कीवर्ड्स भर दोगे, आप ये कर दो वो कर दो, पर आपको उसके अंदर कंपेलिंग कैची चीजें लिखनी है जिसके चक्कर में वो बंदा आपके लिंक पे क्लिक करे। बंदा आप खुद ही सोचो, आप गूगल पे कभी भी कुछ भी सर्च मारते हो तो आप डिस्क्रिप्शन पढ़ के ही लिंक को खोलते हो ना, नीचे जो लिखा होता है आप वही पढ़ के खोलोगे, अगर अच्छा नहीं होगा तो आप खोलोगे ही नहीं, कुछ उल्टा सीधा लिखा होगा जिसकी सेंस नहीं बनती तो आप मतलब सोचोगे अंदर कुछ भी नहीं है। कई बार हमको वहीं से आंसर मिल जाता है, बिना बोले वहीं से आंसर लेके बंद कर देते हैं। तो देखा जाए डिस्क्रिप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब आती है बात भाई इंटरनल लिंकिंग एंड एक्सटर्नल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग का मतलब ये हुआ कि मेरे जो पेजेस है, मेरा जो अपना घर का अंदर पेज है, मैंने उसके अंदर आपस में लिंक कर दिया। मान के चलो मेरे एक पेज अच्छा रैंक करता है, उसके ऊपर 1,00,000 बंदे रोज के आ रहे हैं। अगर मैं उसके अंदर इंटरनल लिंकिंग कर दूंगा, मतलब मेरे बाकी ब्लॉग से या बाकी अलग पेजेस से उसको लिंक कर दूंगा, तो चांसेस यह है वो 1,00,000 के 10,000 बंदे तो उस पेज पे जाएंगे, तो अल्टीमेटली उस पेज का भी ट्रैफिक बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेट एम हमारा क्या है कि हमको ट्रैफिक बढ़ाना है, तो हमारा ट्रैफिक बढ़ रहा है। और एक चीज होती है एक्सटर्नल लिंकिंग। एक्सटर्नल लिंकिंग से क्या होता है, मान के चलो
मैंने लिख दिया मार्केटिंग। अब मार्केटिंग के भी 10 मतलब होते हैं, गूगल को ऐसा पता लगेगा कि ये वाली मार्केटिंग का मतलब लिख रहा हूं मैं। बहुत बार ऐसा होता है, मैं कह रहा हूं इंटरनल पॉलिटिक्स या इंटरनल्स, मान के चलिए मैं इंटरनल्स लिख रहा हूं, इंटरनल्स ऑफ दिस मोबाइल फोन इज नॉट गुड, तो इंटरनल्स मतलब स्पेसिफिकेशन, तो मैं उसको लिंक करके बता सकता हूं कि भाई इस इंटरनल का मतलब स्पेसिफिकेशन है। गूगल को समझ में आएगा अच्छा इसका मतलब ये है, तो गूगल को आसानी से आपका पेज रीड करने में हेल्प होगी। बस यही लॉजिक है यार, आपको आपके रीडर को अच्छी तरीके से अपना कंटेंट समझाना है और साथ के साथ आपको गूगल के बॉट को भी समझाना है, बस सिंपल सा लॉजिक तो यही है। एक और बात का ध्यान हम रखें कि हमारी पेज स्पीड अच्छी होनी चाहिए, वेबसाइट का पेज जल्दी खुल जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इमेजेस छोटी छोटी रखेंगे, इमेजेस की मतलब क्वालिटी छोटी रखेगी, मतलब जो हमारा पेज का लोड टाइम है वो सही होना चाहिए, सर्वर अच्छा होना चाहिए, बस यही चीज है। तो इतना बड़ा हवा जो बनाया गया है ना भाई, ऑन पेज एसईओ ये वो, एसईओ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कंटेंट लिखना, कंटेंट अपीलिंग लिखना, बंदा उसको पढ़े, बंदा अच्छा लगे, वो बंदा शेयर करे, 10 बंदों के बाद शेयर करे और वो चीज वायरल हो जाए, दिस इज असली एसईओ। एसईओ का मतलब ये नहीं है जो आजकल के टाइम पे हमको समझाया जाता है, मैं आपका पेज नंबर 1 रैंक कराऊंगा। क्या करना है आपको, कंटेंट लिखो, उसको जाके कमेंटों के नीचे कॉपी पेस्ट करो। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा ये ऑफ पेज के बारे में जो टेक्निक्स बताई जाती है आपको कि कॉपी कर दो लिंक को, कमेंट में डाल दो, क्या उससे कुछ फर्क पड़ता है या फिर नहीं पड़ता, या ये सिर्फ अफवाह है। और एक और चीज चेक करके देखते हैं, आपको पता होगा मेरा डिजिटल मार्केटिंग का इंस्टीट्यूट है, तो आपको क्या करना है, आपको गूगल पे सर्च मारना है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, और आपको नीचे स्कोर बताना है कि हमारा किस नंबर पे हमारी वेबसाइट रैंक कर रही है। आसानी के लिए आप एडवांस सेटिंग के अंदर जाओगे तो आप वहां पे 100 पेजेस तक कर सकते हो एक बारी के अंदर। तो नीचे कमेंट के अंदर बताना कि डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इन दोनों के अंदर हमारी वेबसाइट कहां पे रैंक कर रही है। कमेंट के अंदर जरूर बताना, एक छोटा सा असाइनमेंट है, अगले हफ्ते हम चेक करके देखेंगे हमारे रैंकिंग के अंदर क्या फर्क पड़ा। ठीक है दोस्तों, बाय, गुड नाइट, शबाखैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं।